गाइस कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों की दिवाली और छठ बहुत अच्छा बीता होगा, तो एंजॉय किए होंगे आप लोग अच्छे से। तो दोस्तों, आफ्टर दिवाली और छठ एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने भाई को ड्रॉप करने, जो महाराष्ट्र में जो जॉब करता है, और इसी से जाऊँगा। रास्ते में जंगल पड़ता है बहुत बड़ा, मैलानी जंगल। आप लोग कभी उत्तर प्रदेश आइएगा लखीमपुर खीरी, तो मैलानी या दुधवा ज़रूर घूमिएगा। मेरे तरफ बहुत प्यारा सीन रहता है, और यहीं से अभी शुरू करेंगे। और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, और आप लोग इधर आते हैं तो मैं आपको ऑफकोर्स सपोर्ट करूँगा, आप लोगों को घुमाऊँगा फिराऊँगा आसानी से, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँगा। चलिए अब जो जो चीज़ें रास्ते में दिखेंगी वो आप लोगों को दिखाऊँगा। सो गाइज, हम लोग रेडी हैं। चंदन है मेरे साथ, पीछे विकास है, और ये सूरज। तो चलिए अब रास्ते में जो जो चीज़ें मेन होंगी वो दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शारदा रिवर पे, और ये शारदा रिवर हमारे यहाँ का मतलब मेन रिवर है, जहाँ से बाढ़ वगैरह या सिंचाई उचाई सब कुछ मतलब इसी पे डिपेंड करता है। बाढ़ भी बहुत आती है इस नदी में, और आपने अक्सर सुना होगा किलर रिवर शारदा। ये शारदा पुल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का आखिरी सबसे बड़ा पुल है जो नेपाल टच करने में मिलता है। ये देखिए अभी, और बगल में ही दोस्तों रेलवे का पटरी भी गया हुआ है, और ये अंग्रेजों के ज़माने का है, अंग्रेजों ने इसे बनवाया था जब भारत गुलाम हुआ करता था। जिसके ऊपर से जब ट्रेन नहीं जाती थी तो गाड़ियां अप डाउन करती थी, और जब ट्रेन आने का टाइम होता तो गाड़ियों को रोक करके ट्रेन निकाला जाता था, ऐसे सिस्टम के साथ उसे बनाया गया था। यहाँ से सर 4-5 किलोमीटर दूरी है। 4 किलोमीटर क्या, 8 किलोमीटर बताया था ना वहाँ से, वही तो मैंने देखा। 8 किलोमीटर के आसपास जंगल है ये पूरा, जंग 8 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जंगल से निकलते हो तो पहले 28 से 30 किलोमीटर के आसपास था। बताओ इंसान कितनी तरक्की कर लिया, 20 किलोमीटर गैप कर दी हम लोगों को। ये नहर जाके शारदा नदी में गिरी, जो पीछे शारदा नदी आप लोगों ने देखा है ना, उसमें जा करके ड्रॉप हुआ है। ये तो सूख गया है, वाह भाई पानी सूख गया है। देखिए दोस्तों, पानी सूख चुका है पूरी तरीके से। फाइनली पहुंच चुके हैं, और ट्रेन लगी हुई है। यहाँ से बस सीतापुर तक जाना है, मतलब 2-2.5 घंटा वहाँ से ट्रेन है। तो यहाँ से एक ट्रेन चेंज करनी होगी, और एक ट्रेन आगे से। तो गाइस, ये बगल में ये ट्रेन खड़ी है, इससे जाना है, सामान वामान रख रहे हैं, और यहाँ से अब ये निकल जाएगा, बैठ गया अंदर, और सीधे पहुँचेगा सीतापुर, सीतापुर से फिर आगे जाएगा। अब हम लोग यहाँ से करेंगे वापसी। सो गाइस, अभी उसको बैठा दिया, हम लोग कर रहे हैं वापसी। और एक चीज़ मैं कहूँगा, गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा यहाँ पे, साफ़ सफ़ाई आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। लास्ट व्लॉग में ही मैंने आपको बताया था कि साफ़ सफ़ाई का खासा ध्यान रखा जा रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा एरिया है, एक भी कचरा स्टेशन के ऊपर नहीं है, जैसे लग रहा है कहीं विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। हैट्स ऑफ है। सो गाइस, रास्ते में जा रहे थे तो एक खूबसूरत सा कैफे बना हुआ दिख गया, कैफे एंड रेस्टोरेंट है। तो चलिए देखिए अंदर से देखते हैं इसकी सजावट कैसी है, कैसा लगता है। सो गाइज, एकदम हाईवे के बगल में, जस्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे हाईवे चल रहा है, और मेरे हाईवे के बगल में हम लोग एक कैफ़े पे आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह टेस्ट करते हैं। चंदन भी बोल रहा था, सूरज बोल रहा था भैया कॉफ़ी वॉफी पी लेते तब चलते आगे, तो अभी यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ट्राई करेंगे फिर आगे चलेंगे। सो गाइज, छोटी जगह है बट देखिए कितनी साफ़ सुथरी तरीके से इन्होंने सजा रखा है, एंड बहुत खूबसूरत जगह लगी मेरे को। तो अभी ये देखिए, बिल्कुल फील आपको ना एकदम गोवा वाला ही आएगा, और झोपड़े टाइप बना रखा है बहुत प्यारा, और टायर्स के यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने यहाँ पे। तो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे भैया से मिलवाता हूँ। और तो भैया कॉफ़ी चाय वगैरह मिल जाएगी आपके पास? बिल्कुल सर। सर अपना नाम बता सकते हैं? आशीष, आशीष नाम है। तो ये जगह कौन सी है? ये जगह मैलानी में कैफे फॉरेस्ट हो।
अच्छा, मैलानी स्टेशन से कितनी दूर है लगभग? स्टेशन से बहुत ज़्यादा, आधा किलोमीटर। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, आधा एक किलोमीटर के आसपास आपको ये अच्छी सी जगह मिल जाएगी चाय कॉफ़ी लिए, बहुत खूबसूरत सी जगह और आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे। हिल रहा है तो बगल में देखिए हाईवे है, वो देखिए बगल में हाईवे है और जंगल है, जंगल के किनारे रोड और रोड के किनारे ही कैफे है। तो कैफे बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रेंज है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके, ठंडा ठंडा सा वातावरण है, अच्छा लग रहा है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर किया था और स्नैक्स, भैया आ गए, थैंक यू भैया, वेलकम। और ये रही अपनी कॉफ़ी, ये रहे स्नैक्स, चलिए टेस्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्नैक्स लेते हैं, टेस्टी यार, स्नैक्स काफ़ी टेस्टी है दोस्तों। और हॉट कॉफ़ी मंगाया है, कॉफ़ी ज़रूर, एक इंसान को दिन भर में एक कॉफ़ी ज़रूर पी लेना चाहिए, इन केस अगर वो ज़्यादा वर्क में रहता है, ज़्यादा टेंशन रहता है उसे, तो ये क्या रहता है, आप बीपी अगर एकदम मेंटेन कर रखता है तो कॉफ़ी, चाय से ज़्यादा अच्छा मैं प्रेफर करूँगा कॉफ़ी। कॉफ़ी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप आना हो तो मैलानी स्टेशन से थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर भीरा रोड पे। सो गाइस कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी थी, बहुत प्यारी कॉफ़ी थी। और यहाँ का व्यू आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, कितना प्यारा व्यू है। पीछे आप लोगों ने कैफ़े तो देख ही लिया है, कैफ़े तो एंजॉय किया आप लोगों ने, बट उसके बाद ये देखिए, उससे अच्छा नज़ारा ये है सामने का, है ना दोस्तों, औसम नज़ारा। और ये हाईवे जा रहा है तो इनको हम लोग बाय बाय कर देते हैं इस तरीके से। और गाइस पीछे इतना प्यारा जंगल है ना, मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे आकर के। गाइस रास्ते में बहुत प्यारी सी जगह दिखी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा लूँ, ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, और बगल से रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है। तो दोस्तों एक दिन स्पेशल विजिट करके आप लोगों को ये पूरा एरिया घुमाऊंगा। और ये देखिए गाड़ी के इस तरफ भी, अब मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे लेता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, देखिए वो देखिए कितनी अच्छी जगह। और ये फॉरेस्ट का रिज़र्व ऑफिस है, प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। नहीं तो फिर शाम को आज निकल जाएंगे, ये तो आइए बैठिए। नहीं बस चल रहे काम है, और तो फिर आज कहाँ, मतलब इधर कहते भाई जा रहा था मैलानी, अच्छा मैलानी सीतापुर से ट्रेन थी, तो भाई बस ना, बस का थोड़ा योगी आदित्यनाथ वाला मामला हो रखा है, तो बस से ना जा करके ट्रेन से ओला में रहनी है, विदाई जो खत्म हो।